सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एबीएसटी एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अपन एक फैक्ट्री लगा रखी है, ये अपने पास फैक्ट्री का स्टोर हो गया। अपना क्या काम है बिजनेस में, अपने को प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है। अब अपने को प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। जैसे मान लो अपने को वर्ष भर में 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब अपने पास ऑप्शन है कि अपन चाहे तो इसको एक साथ एक ही बार में परचेज कर सकते हैं, यानी 10,000 यूनिट एक साथ खरीद सकते हैं। खरीद तो लेंगे, लेकिन अपने पास समस्या ये है कि पहले पास तो स्टोर होना चाहिए बड़ा, ताकि 10,000 यूनिट को रख सके। और जैसे मान लो अपने पास स्टोर है भी, तो अपने पास माल के चोरी होने की संभावना रहेगी, माल के खराब होने की संभावना रहेगी, और एक साथ यदि अपन पेमेंट कर दे तो अपना पैसा भी ब्लॉक हो जाता है और अपने को इंटरेस्ट का नुकसान। यानी सीधी सी बात है कि यदि अपने को अपने घर में राशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा तो होता नहीं कि अपन ऐसे ही मुंह उठाकर मार्केट में चल दिए और अपने को दुकानदार से जाकर बोल दिए कि भाई मेरे को एक बोरी तो हल्दी की चाहिए, एक बोरी नमक की चाहिए, एक बोरी धनिया की चाहिए। कहने का मतलब अपन अपनी जरूरत और बजट के अकॉर्डिंग ही परचेज करते हैं। अब जैसे मान लो 10,000 यूनिट एक साथ परचेज करते हैं, तो क्या होगा, इससे अपनी स्टोर की कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, स्टोरेज को कॉस्ट बढ़ जाती है। और स्टोरेज कॉस्ट तो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें एक फायदा यह हो जाता है कि बार बार परचेजिंग की झंझट नहीं रहती है। अपने को वर्ष भर में एक ही बार परचेज करना होगा, और अपने जो गाड़ी भाड़ा है और जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, ऑर्डर कॉस्ट है, वो एक ही बार आएगी वर्ष में। यानी बार बार अपनी ऑर्डर कॉस्ट नहीं आएगी, इसका मतलब अपने ऑर्डर कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि अपने को एक ही बार परचेज करना है तो अपनी ऑर्डर कॉस्ट भी एक ही बार आएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि अपन इसको टुकड़ों में परचेज करें, यानी अपन 10 बार में परचेज करते हैं 1,000 1,000 यूनिट से। 10 बार में अपन 1,000 1,000 यूनिट परचेज करते हैं। अब इसमें क्या समस्या हो जाती है, समस्या ये हो जाती है कि अपने यहां पर अपन एक बार ऑर्डर दे रहे हैं तो एक बार ऑर्डर कॉस्ट आई, यहां पर 10 बार ऑर्डर देंगे, 10 बार परचेज करेंगे, 10 बार ही गाड़ी भाड़ा और लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होगा, तो अपनी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इससे फायदा ये कि अपनी स्टोरेज कॉस्ट कम आती है, यानी बार बार ऑर्डर देने से अपने स्टोर में ज्यादा माल नहीं रहेगा और अपनी स्टोरेज कॉस्ट घट जाएगी। यानी टुकड़ों में खरीदने पर स्टोरेज कॉस्ट तो घट जाती है और ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी एक साथ परचेज करने पर, ऑर्डर की साइज बढ़ाने पर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है और ऑर्डर कॉस्ट घटती है, और ऑर्डर की क्वांटिटी की साइज घटाने पर, जिसके लिए अपने को आदेश देना है, वो घटाने पर स्टोरेज कॉस्ट तो घट जाती है, ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है। अब दोनों तरीके से अपने पास समस्या है, अपने को क्या करना चाहिए, अपन ऐसे यूनिट परचेज करेंगे अपन कि ताकि अपनी टोटल स्टोरेज और ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम आए। क्या करेंगे, एक ऐसा करा आदेश देंगे अपन, इन ऐसी यूनिट अपने को परचेज करनी होगी ताकि टोटल कॉस्ट अपनी मिनिमम आए। इसे ही अपन ईओक्यू कहते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा। अतः आर्थिक आदेश मात्रा सामग्री क्रय की जाने वाली सामग्री की वह मात्रा होती है जिसको क्रय करने पर कुल लागत, टोटल भंडारण लागत और आदेश लागत न्यूनतम रहे। ठीक है, अब इसको अपन इसका निकालने, ईओक्यू को निकालने क्या फॉर्मूला है, ईओक्यू अंडर रूट 2CO/I, CO
सी का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की क्या कॉस्ट रहेगी, और आई का मतलब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एक वर्ष में एक यूनिट की क्या कैरिंग कॉस्ट रहेगी। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल ले अपने को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ईओक्यू, अपने पास ऑर्डर की साइज आ जाएगी और अपने पास क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन दिया होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ईओक्यू, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगी। ऑर्डर कॉस्ट कैसे आएगी अपनी, ऑर्डर कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट कैसी आएगी, ई ओ क्यू डिवाइड टू इंटू आई, अपने पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैसे आएगी अपनी, ऑर्डर कॉस्ट टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक रेफ्रिजरेटर निर्माता किसी वस्तु की 1600 इकाई एम से क्रय करता है, एनुअल कंजम्पशन यानी 1600 इकाई एम से क्रय करता है, उनका वार्षिक उपभोग 1600 इकाइयों का है, आदेश देने की लागत 100 रुपये प्रति आदेश है तथा एक वर्ष तक एक इकाई के संग्रहण पर 8 रुपये खर्चा होता है, मिति व्यय आर्थिक आदेश मात्रा की परिगणना कीजिए तथा अपने परिणामों को सारणी में प्रस्तुत कीजिए, यानी अपने पास एनुअल कंजम्पशन आया 1600 यूनिट। सोलह सौ यूनिट्स कॉस्ट पर ऑर्डर आ रही है अपने पास 100 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 8 रुपए, अपने को ईओ क्यू निकाल लिए, फॉर्मूला वही लग जाएगा, टू सी ओ डिवाइड आई, टू सी एनुअल कंजम्पशन कितना है 1600 यूनिट, ओ कॉस्ट पर ऑर्डर कितने हैं 100 रुपए, आई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना आ रहा है 8 रुपए, ये कितना आ गया 1600, 3200, 8 का भाग देंगे तो 40, 200 यूनिट, ठीक है, ठीक है, अपने पास ईओक्यू निकल गया 200 यूनिट्स का। अब इसे अपन सारणी में प्रस्तुत करेंगे, यानी टेबल की सहायता से अपन ईओक्यू इसमें टोटल कॉस्ट निकालेंगे और प्रत्येक ऑर्डर 1 से 10 तक के ऑर्डर में देखेंगे कि अलग अलग ऑर्डर देने की परिस्थिति में, अलग अलग ऑर्डर देने की स्थिति में टोटल कॉस्ट पर क्या स्थिति रहेगी टोटल कॉस्ट की। पहले लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर पर ईयर पर ईयर,
टेबल शोइंग ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर पर ईयर, इसके बाद में लेंगे जैसे एक ऑर्डर देने में क्या स्थिति रहेगी, दो ऑर्डर पे क्या स्थिति रहेगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। अब आगे लेके अपन यूनिट्स पर ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। अब आएगा कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कौन सा ऑर्डर देना ठीक रहेगा जिसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी। ये अपने पास 10 कंडीशन हो गई, 10 अलग अलग तरीके से ऑर्डर देंगे, जिसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी वही अपने लिए सुटेबल रहेगा, वही अपने लिए ईओक्यू रहेगा। चलो अपन लेते हैं, एक ऑर्डर देते हैं तो 1600 यूनिट्स का देना पड़ेगा, ठीक है। दो ऑर्डर देते हैं तो 800 यूनिट्स के दो दो 800 यूनिट के दो ऑर्डर देने पड़ेंगे। तीन ऑर्डर देते हैं तो 533 यूनिट्स के तीन ऑर्डर देने पड़ेंगे, और चार ऑर्डर देते हैं तो 400 यूनिट्स के चार 400 यूनिट के तीन ऑर्डर देने पड़ेंगे, और पांच ऑर्डर देते हैं तो 1600/5 320 यूनिट के, छह ऑर्डर देते हैं तो 1600/6 267 यूनिट के छह ऑर्डर देने पड़ेंगे, सात ऑर्डर देने हैं तो 229 ऑर्डर के 229 यूनिट के सात ऑर्डर देने पड़ेंगे, और आठ 200 यूनिट्स की हो जाएगी 9, 1600/9 हो जाएगा 178, और 10 करें 160 यूनिट। यदि अपन एक ऑर्डर देते हैं तो अपने को 1600 यूनिट का एक ऑर्डर देना पड़ेगा, दो ऑर्डर में करना है तो अपने को 800 यूनिट्स के दो ऑर्डर देने पड़ेंगे, तीन के देने 500 थे, चार के 400, इस प्रकार से। अब है ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, 100 रुपये। अब यदि दो एक ऑर्डर देंगे तो 100 रुपये आएगी कॉस्ट, दो ऑर्डर देंगे तो 200 रुपये कॉस्ट आएगी, तीन ऑर्डर देंगे तो 300 रुपये कॉस्ट आएगी, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यानी 10 ऑर्डर देंगे तो 1000 रुपये कॉस्ट आएगी। अब रहेंगे एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक अपने को क्या लेना है, यूनिट्स पर ऑर्डर, यूनिट्स पर ऑर्डर का 50% लेंगे, तो 1600 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 800, इसका 800 का हो जाएगा 400, 533 का हो जाएगा 267, 400 का 200, 320 का हो जाएगा 160, 267 का 134, 229, 115, 200 का 100, 178, 22, 11, 89, और 160, 80। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आए 8 रुपये, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 800 × 8 6400, 400 × 8 3200, इसमें आ जाएगी 6, 8, 5, 8, 6, 48, 53, 2136, इसकी आ जाएगी 1600, इसकी आ जाएगी 1280, इसकी आएगी
27, 1072 इसकी आएगी, 115 इंटू 8, 08, 920 इसकी आ जाएगी, 800 इसकी आ जाएगी, 712 और इसकी आ जाएगी 640। ये अपने पास कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट देखते हैं, 100 रुपये तो ऑर्डर कॉस्ट आ रही है और 6400, 6400 रुपये कैरिंग कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6500 रुपये। यहाँ पर आ जाएगी 232, 3400, 2136 प्लस 300, 2436, 400, 400 प्लस 1600 2000, 500 प्लस 1280 1780, फिर 600 प्लस 1072 1672, 700 प्लस 920 1620। अभी तक तो घटती जा रही है टोटल कॉस्ट, फिर 900 प्लस 800 प्लस 800 1600, और भी घट गई, 900 प्लस 712 1612, ये वापिस बढ़ गई यहाँ से, और 1000 प्लस 640 1640। अब यहां पर देखो टोटल कॉस्ट मिनिमम कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है टोटल कॉस्ट मिनिमम,